ओम सुमुखश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुरगणा दक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि यापटे छुनियादपि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की गुड लक में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, देखिए कितना लंबा किस्ता चला जा रहा है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, उम्मीद से बाहर की स्थिति बन गई है। दोनों देशों के बीच में समझौते का कोई रास्ता निकलता नहीं नजर आ रहा, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से हमें जो पता चल रहा है वो हम आपके समक्ष आज रखने वाले हैं। युद्ध की ओर खासतौर पे भीषणकारी जो परिणाम सामने आते दिखाई दे रहे हैं वो वास्तविक तौर पे मंगल की दशा के कारण से अमंगल परिणाम सामने आते दिखाई दे रहे हैं। मंगल और राहु की युति जिस प्रकार की एक विशेष प्रकार का योग बनने जा रहा है और बन चुका है एक तरह से, वो बड़ा विध्वंसकारी योग है और उसका परिणाम स्वरूप कई मोर्चों पर विश्व में कई प्रकार के परिवर्तन आने के योग बनेंगे और बहुत सारे देश उससे प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पर मान लीजिए ये तृतीय विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी है और अगर यूक्रेन और युद्ध को नहीं रोका गया तो पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका है। इस वक्त वास्तविक तौर पर दिखाई दे रहा है कि दो गुट बनते चले जा रहे हैं और देश खुले तौर पर उसमें शामिल होते चले जा रहे हैं और आगे चले होते चले जाएंगे। परिणाम जो खासतौर पर यही होगा कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले एक महीने में जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है और उसकी क्षतिपूर्ति खासतौर पर करने में यानी उसके नुकसान को भरपाई करने में दशकों लग जाएंगे और अगर कहीं भगवान ना करे वर्ल्ड वॉर हो गई तो उसका खतरनाक भयानक परिणाम जो होंगे वो पूरे विश्व को भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में विश्व स्तर पर विश्व के कुछ बहुत अच्छे देशों को परस्पर जुड़ने का प्रयास करना चाहिए और उस युद्ध के परिणाम जो होंगे खासतौर पर आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से कई भयावह स्थिति उत्पन्न करेंगे और जिस प्रकार का युद्ध का योग बन रहा है ग्रह तो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ऐसे में आवश्यकता है कि पूरे विश्व के कुछ अच्छे कर्णधार नेताओं को आगे आने का प्रयास करना चाहिए। क्या कुछ प्रभाव और क्या हम पर प्रभाव पड़ेगा, उस भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे। राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक स्थिति का बड़े स्तर पर प्रभाव होने वाला है और अभी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देख रहे हैं आप पेट्रोल का भाव, हमने चार दिन पहले आपको बताया था कि पेट्रोल में आग लगने वाली है और बहुत सारे तेल, बहुत सारे खनिज पदार्थ, उन धातु इत्यादि सब पे महंगा होने वाला है और वो हो रहा है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पूरी विस्तार के साथ ग्रहों की गणनाओं को देखते राहु और मंगल की जो खास तौर पे परस्पर दृष्टि का योग बन रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम इस कार्यक्रम में बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं नक्षत्रों के अनुसार से, योगों के अनुसार से आज का दिन कैसा रहेगा और पंचांग क्या कहता है। मामले करेंगे कल्याण, चैत्र का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, त्रयोदशी तिथि है, बुधवार का शुभ योग है, सदिशा नक्षत्र आज विद्यमान है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम का शुभ नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और अमावस्या की तरफ जा रहा है समय। अमृत काल का शुभ मुहूर्त है 2:36 से लेकर 4:11 तक का मुहूर्त रहेगा। वहीं राहुकाल जो है 12:31 से लेकर 2:03 तक रहेगा। आज रंग तेरस है, मासिक शिवरात्रि का शुभ पर्व है और खासतौर पर वारुणी योग भी आज बन रहा है। गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा खास उपाय कर लेना चाहिए उसके बारे में एक छोटा सा उपाय है, नोट कर लीजिए, आज कल्याणकारी लाभ दे सकता है। 21 बुधवार को एक पीले रंग के धागे को 7 लपेटने के बाद नारियल की जटा पर रख लीजिए और थोड़ा सा कुमकुम छिड़कने के बाद एक जलते कपूर को उसके ऊपर रखकर प्रवाहित कर दीजिए। देखिएगा आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा, कष्ट दूर होंगे, मनोकामना सिद्धि का योग बन गया। और आज से बड़ा भयावह योग बनने वाला है, मंगल की पूर्ण उच्च दृष्टि राहु पर पड़ने वाली है और राहु जो है वो मेष राशि में आ गए हैं और ये दोनों देशों के बीच में जो युद्ध की स्थिति चल रही है वो बहुत विचित्र होने जा रही है। वस्तुएं कई महंगी होती चली जा रही हैं, उसका सीधा असर महंगाई पे पड़ने वाला है और आने वाले समय में कई वस्तुओं की कीमत इतनी वृद्धि की तरफ जाने वाली है। भारत पर बड़े पैमाने पर खासतौर पर क्रूड ऑयल जो यूक्रेन से इम्पोर्ट होता था वो उसका प्रभाव बहुत पड़ने वाला है और हम देख रहे हैं हम सबकी जेब पर भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है। ये युद्ध का प्रभाव है और युद्ध के अनुसार से खासतौर पे कई प्रकार की समस्याएं और उत्पन्न होने वाली हैं और कई प्रकार की समस्याएं जिस प्रकार से रहेंगी वो भयावह स्थिति योगा योग जो है वो साफ साफ प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए जो मंगल इस वक्त परम उच्च स्थिति में है और वो आगे धनिष्ठा नक्षत्र में भी प्रवेश करने वाला है और साथ साथ और जिस प्रकार से राहु पर दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ दृष्टि यानी दशम में बैठ जिस पर मकर राशि में बैठकर आगे यदि मेष राशि स्वयं की राशि है और वहाँ राहु विद्यमान हो गया है,
ये भयानक दुष्परिणाम युद्ध की तरफ अग्रसित कर रहा है, विनाशकारी प्रभाव देने वाला है। और इसका दूसरा पहला एक पहलू एक भी एक तो वाणिज्य तौर पर प्रभाव पड़ने वाला है, इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भी देशों पर पड़ने वाला है जो दूर क्षेत्र में तटस्थ क्षेत्र है और कृषि प्रधान देश है, उन सब में भी महंगाई पर प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारे देश जो हैं यूरोप के देश जो थे वो वहाँ से यूक्रेन से कृषि से के डिपेंडेंट थे, उन सब पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला। अर्थव्यवस्था तो खासतौर पर चौपट होने की तरफ जा सकती है, ये पूरे विश्व में सामने दिखाई दे रहा है। रूस के यूक्रेन के सैन्य कार्रवाई जिस प्रकार से घोषणा ना केवल चारों तरफ तबाही मच गई है उसके कारण से, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी चौपट होनी शुरू हो गई है रूस के हमलों से, जिस प्रकार से बहुत मुद्रा बाजार में भी बहुत प्रभाव पर दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो ज्योतिषी गणनाओं के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और यदि अमेरिकन खासतौर पर वहाँ पर भी उनके बाजार पर देखा जाए तो उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ज्योतिषी गणनाएं क्या बताती हैं, उस संबंध में भी हम इस वक्त के प्रश्न लग्न को देख लेते हैं। और इस वक्त का प्रश्न लग्न जो है वो हमें साफ साफ दिखाता है कि आने वाले समय में आर्थिक दृष्टिकोण से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, कर्ज का भार बहुत ज्यादा पड़ सकता है और खासतौर पर धन की संपदा में बहुत बड़ी समस्याएं आने के योग बन सकते हैं। ऐसे में विश्व के जो खासतौर पर बड़े लोग नेता हैं उनको समझ में आने चाहिए कि युद्ध के पीछे जो राजनीति कूटनीति चल रही है किस प्रकार से पूरे विश्व को दो भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रह किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। और उन सबको समझते हुए जीवन में क्या कुछ योग आपके जीवन में पड़ने वाला है, ग्रहों का आज का परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ करेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मेष से लेकर मीन राशियों के संबंध में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। मेष राशि वालों, परिवार में सुख शांति रहती दिखाई दे रही है, चिंता ना करें, पार्टी का आनंद भी आप आज आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु सावधान रहिएगा, चोट लग सकती है, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। निजी प्रयासों से धन अर्जन करने में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, संतान को सुख और सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा, मंदिर में जाकर नारियल का दान कीजिए, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण। वृक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, यात्रा होने का योग दिखाई देता है, यात्रा की संभावना प्रबल रूप से बनती दिखाई दे रही है और आनंद और धन प्राप्ति में सहायक हो सकता है ये समय। भाई बहनों के साथ अच्छा समय बीतेगा, भाग्य आपका साथ देगा, हालांकि विरोध का खासतौर पर सामना करना पड़ सकता है और ऐसा भी योग बन रहा है कि विरोधियों पर आप भारी पड़ सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा, गणेश जी को दूर्वा समर्पित कीजिए, सब कष्ट दूर होंगे, विघ्न दूर होंगे और निर्दुंदसा आज से आप आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से एक और प्रश्न आ गया है हमारे पास, इस कार्यक्रम में जुड़ते ही लोग व्हाट्सएप करने लगते हैं, बहुत सारे प्रश्न भेजते हैं, उनका भी निदान देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूँ। झारखंड के चतरा क्षेत्र से रजक जिनका एक प्रश्न आया, उन्होंने लिखा है कि तंगहाली खत्म ही नहीं हो रही है उनके परिवार में, घर में दरिद्रता जाने का नाम ही नहीं ले रही है, जानना चाहते हैं क्या उपाय करें। देखिए, घर में जब दरिद्रता वास कर लेती है ना तो बहुत कष्ट होता है, प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। दरिद्रता के पीछे कारण क्या है उसको समझना पड़ेगा, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। ज्योतिषीय प्रभाव बड़े विचित्र प्रकार से इसमें लाभ कर सकते हैं आपको। कर्म का दोष, कुछ ग्रहों का खेल, कई कारण हो सकते हैं, कर्म का दोष तो है परंतु कुछ ग्रहों का भी खेल हो सकता है जो मनुष्य पर के जीवन पर प्रभाव डालता है। हम आपको कुछ सरल उपाय बताएंगे, चिंता ना करें, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, कई ग्रह दोषों से आप दूर हो कर सकते हैं। उन ग्रहों को दूर करने के लिए आप एक काम करें, आटे खासतौर पर थोड़ा गुड़ मिला लीजिए, एक मोटी रोटी बनाइए और अपने खाना खाने से पहले उस रोटी को गौ को नित्यपति खिलाया कीजिए। देखिए, ग्रहों के कई दोष जो है वो दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। जिन ग्रहों के कारण से आपके जीवन में परिस्थितियां आपके खासतौर पर साथ नहीं दे रही हैं वो आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। कोशिश तो कीजिए, 41 दिन तक इस उपाय को करके देखिए, देखिए माँ का आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे, जीवन से कुछ कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। गौ में समस्त देवताओं का वास होता है और उनका आशीर्वाद जो नित्यपति लेते हैं कल्याण के योग बनते हैं। मामले करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, आज आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा और पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। मानसिक तौर पर प्रसन्न रहते दिखाई दे रहे हैं, इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में भी पड़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। सफेद पुष्प देवताओं को अर्पित करें, जो आपके इष्ट देव है उनको जाके अर्पित करें, देखिए आशीर्वाद मिलेगा। मामले करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आमदनी वृद्धि होने की अच्छी संभावना बनती दिखाई दे रही, कलात्मक कार्यों की तरफ आपकी रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है, परंतु स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहता दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन खूब लगता दिखाई दे रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करेंगे तो लाभ भी प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। किसी साधु को संत को अंग वस्त्र का दान कीजिए आज के शुभ योग में, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा।
व्हाट्सएप के माध्यम से एक और प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो आया फरीदाबाद से तनेजा जी का। हरमेश तनेजा जी लिखते हैं कि उनके घर में बहुत अशांति रहती है, कलेश रहता है, सदस्यों के बीच में तालमेल थोड़ा खत्म सा हो चुका है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उसका प्रभाव उनकी ज़िंदगी में भी पड़ रहा है। देखिए, घर शांति के लिए होता है, और जब अशांति हो जाती है कारोबार में उसका प्रभाव पड़ने लगता है, जो उन्होंने आपने लिखा भी ये बात। आपके घर में जो कलेश रहते हैं उसको ठीक करने के लिए आपको खासतौर पर कुछ उपाय करने चाहिए। हमने आपकी जन्मपत्री देखी और जो स्थिति जो बन रही है उसका मुख्य कारण है बुध ग्रह, उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। और बुधवार के दिन एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, देखिए तालमेल बनना शुरू होगा। बुधवार के दिन गणेश जी की सफ़ेद मूर्ति, कोशिश करें उसको सफ़ेद मूर्ति को लाकर स्थापित करें अपने घर में, और प्रतिदिन उनकी पूजा करना शुरू कर दें, और एक कांसे की कटोरी में रात को थोड़ी मूंग भिगो दिया कीजिए, अगले दिन उनको पक्षियों में डाल दिया कीजिए। बुध ग्रह व्यवस्था का मालिक है, और व्यवस्थाएं जब बिगड़ जाती हैं तो सब कलेश होने शुरू हो जाते हैं। बुध ग्रह को व्यवस्थित कर लीजिए, देखिए परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी बुध खासतौर पर रंग बदल लेते हैं, बहुत जल्दी तरीके से सुधार आने के योग बनेंगे। इन उपायों को करने का प्रयास कीजिए, समृद्धि प्राप्त होगी। गणेश जी समस्त विघ्न दूर करते हैं, और जहाँ गणेश जी प्रतिष्ठित होते हैं उनके आसपास कौन रहता है? दो देवियाँ हैं, रिद्धि और सिद्धि। जो गणेश जी प्रतिष्ठा करने के बाद रिद्धि सिद्धि आपको आशीर्वाद देंगी, गणेश जी के कल्याण से समस्त विघ्न दूर होंगे, माँ अम्बे करेंगी कल्याण। शनि जो है वो खासतौर पर परिवर्तित होकर जब से मकर राशि में आए हैं, देखिए हर 30 साल बाद शनि परिवर्तित होते हैं, और जब भी खासतौर पर मकर राशि में आते हैं इसका इतिहास है। इस वक्त विश्व युद्ध चलने की कगार पे आ गया है, और इसका खासतौर पर कारण है उसमें कहीं ना कहीं विश्व में युद्ध का आग झुलस ही जाता है। विश्व वर्तमान में शनि महाराज गोचर में, खासतौर पर मकर राशि में जब से आए हैं, देखिए 30 साल बाद ये शनि गोचर में आए हैं, और युद्ध में खासतौर पर कई हिंसक कार्रवाई होती है। 1962 में भी ये योग बना था, उसके बाद यदि हम 60 साल पहले देखें, उसके बाद 92 और 93 भी योग बना जब शनि मकर में आए, पूरे विश्व में हलचल मच गई थी, बड़े रोग फैलने के योग बने, युद्ध होते हैं, कई प्रकार की भयावह स्थिति बनती है, अराजकता की स्थिति बनती है, महंगाई की स्थिति बनती है, और सब कुछ भयावह स्थिति की तरफ चला जाता है। शनि मकर राशि में आने के बाद भारत और रूस, अफगानिस्तान और खासतौर पर आसपास के क्षेत्रों में हमेशा युद्ध के आसार बनते दिखाई देते हैं, ऐसा हमने कई बार एनालाइज करके एनालाइज किया। 1962 में शनि यहाँ आए थे तो भारत चीन का युद्ध हुआ, 1992 में अफगानिस्तान में गृह युद्ध आरंभ हो गया था, तालिबान का कब्जा हो गया था, और 2022 में रूस यूक्रेन के बीच भयावह युद्ध की स्थिति बन गई है। पिछले 2 वर्षों से पूरे विश्व में जिस प्रकार का अशांति का वातावरण है, महामारी का खासतौर पर प्रभाव चल रहा है, भारत चीन के बीच में भी तनाव बना हुआ है, इस बात को समझ लीजिए जिस स्थिति है, इस युद्ध के कहाँ कहाँ रूप निकलने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति दिखाती है बड़ी विकट स्थिति है। 2020 में जिस बात को मैं बोल रहा हूँ, गलवान घाटी में आप उस स्थिति को देख चुके हैं, हमारे कई साथ जीवन में जिस प्रकार का योग देखा आपने उस स्थिति को आप समझ चुके हैं, और समझे यही भयावह स्थिति बनी है। आने वाले समय में शनि मकर राशि में जो चल रहे हैं गोचर में, अभी 1 वर्ष रहेंगे, 27 अप्रैल को बदल तो जाएंगे, लेकिन 2022 को 27-28 अप्रैल में 2022 में बदल तो जाएंगे, लेकिन फिर 3 महीने बाद फिर वापस आ जाएंगे, तो इसलिए तनाव की स्थिति पूरे विश्व बनी हुई है। ऐसे में 90 के दशक में सोवियत संघ का जो खासतौर पर वर्तमान युद्ध, उसके 15 टुकड़े कर गए थे शनि महाराज जब आए थे, तो ये शनि का ही प्रभाव है जो विघटनकारी योग दे रहा है, और अधिकांश देश जो रूस के आज अलग हुए थे उन पर खतरा बना हुआ है। ज्योतिष दृष्टिकोण से यदि देखें स्थिति, तो ग्रहों की वक्रचाल हमेशा रूस को परेशान करती है। शनि मंगल और राहु का योग जो इस प्रकार का विचित्र बना हुआ है, दोनों शनि मंगल मकर में राशि चल रहे हैं, और राहु पर मंगल की दृष्टि जिस प्रकार से बन गई है वो भयावह स्थिति का निर्माण कर रही है। 90 के दशक में भी इसी प्रकार का मिलता जुलता योग बना हुआ था जो कष्ट दे रहा था, यह युद्ध हित में नहीं है, रूस के हित में भी नहीं है, हम साफ साफ दिखा रहे हैं। इसके पीछे कूटनीति चाल कुछ और है, ग्रह दिखाते हैं कि आने वाले स्थिति में भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, और जो बृहस्पति और शुक्र एक राशि में आ गए हैं वो भी खासतौर पर युद्ध के निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। बड़ा क्षय और मात का कूटनीति का खेल फिर आरंभ होने जा रहा है, और वो कष्ट दे सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो वैश्विक स्तर पर घरेलू उत्पाद के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है रूस, और उनके खासतौर पर भारत की भी खासतौर पर कष्ट आने के योग दिखाई देते हैं। वर्तमान फैसलों में खासतौर पर आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होने के योग बन सकते हैं, इसलिए खासतौर पर सावधान होना चाहिए। आपके ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या कुछ खेल खेल रही है, यह युद्ध की स्थिति तो अमंगलकारी बन रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि खासतौर पर रूस अपनी हरकतों के कारण से, रूस का कारण कुछ और है, वो डॉलर के भंडारों को खत्म करना चाहता है, और इस वक्त एक बड़ा विचित्र प्रश्न उठता है,
लोग जानना चाहते हैं कि तीसरा युद्ध होगा कि नहीं होगा। अगर तीसरा युद्ध हुआ भी तो पुनः विश्व में खासतौर पर कैसा युद्ध बनेगा, ज्योतिषीय घटनाएं मुझे साफ साफ दिखाती हैं। हम इस पर एनालाइज कर सकते हैं। विश्व युद्ध की स्थिति नहीं, शीत युद्ध की स्थिति बनती चली जा रही है। बड़ा घातक परिणाम सामने आते दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे देश खासतौर पर पुनः वो इन देशों के मोहरे बन सकते हैं। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगले 2 साल विशेष तौर पर कष्टकारी योग लेके आने वाले हैं। विश्व में उथल पुथल मचने के योग दिखाई देते हैं। आप सबको उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए शांति से प्रयास करना चाहिए। मेष से लेकर कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा वो हमने बताया। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन कैसा योग बनने वाला है वो हम आपको बताते हैं। मामे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों आज मान सम्मान में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं, परंतु राजकीय क्षेत्र में हल्का फुल्का तनाव आपको परेशान कर सकता है। प्रेम के मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। आज किसी के हस्तक्षेप करने से खासतौर पर परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए खासतौर पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। और जो शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। गणेश जी को दूर्वा समर्पित करने से आपके बहुत से कष्ट दूर होंगे। मामे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज थोड़ा दिन कमजोर रहता दिखाई दे रहा है और मानसिक तौर पर तनाव की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलने के योग दिखाई देते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे रहेगा, शांति के साथ काम करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। पक्षियों में मूंग डाल दीजिए, साबुत मूंग डाल दीजिए, देखिए शुभ योग बन जाएंगे। मामे करेंगे कल्याण। व्हाट्सएप के माध्यम से एक और प्रश्न आ गया, उसको भी ले लेते हैं। अहमदाबाद से रजनी पटवाल जी का एक प्रश्न आया, उन्होंने लिखा है बड़ा सुंदर प्रश्न जो पामिस्ट्री संबंध रखता है। और वो कहती है कि हृदय रेखा के अंतिम सिरे पर यदि तिल का निशान हो तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये हृदय रेखा होती है जो सबसे पहले निंगली होती है, और इस पर यदि तिल का निशान हो तो जीवन में बड़ा धोखे मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। ये व्यक्ति खासतौर पर कुछ बहुत सारे लोग इनके साथ विश्वासघात करते हैं, और एक के बाद एक विश्वास खास जब भी करेंगे तो बड़ी परेशानी का योग बन जाए। ऐसे लोग कहे जाते हैं, देखा जाता है कि वो विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। परिस्थितियों के अनुसार से विचार में बदलाव आते चले जाते हैं और संकीर्ण विचार का व्यक्ति बन जाता है, शक करने की दृष्टिकोण बना लेता है, कई नुकसान होने के योग बनते हैं। यदि ऐसा निशान आपके हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में है, तो कोशिश करनी चाहिए, उनको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, राधा जी की आराधना करनी चाहिए। राधा जी का पूजन करने से इस प्रकार के योग जो है वो बदल जाते हैं। मामे करेंगे कल्याण। रूस और यूक्रेन के युद्ध के अनुसार से ज्योतिषीय प्रभाव को आप समझ सकते हैं, ग्रहों के प्रभाव को समझ सकते हैं, और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम उसको बहुत अच्छे से विवेचना कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए, देखिए हमारा जो भारत देश है वहां पर भी अर्थव्यवस्था के कारण से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मंगल जो है वो खासतौर पर मकर राशि में चल रहे हैं। मेष राशि पर मंगल, खासतौर मेष राशि जो है मंगल की राशि है, और वहां राहु आ गए हैं वक्र गति से चलते हुए, और उन पर पूर्ण दृष्टि खासतौर पर मंगल की इस वक्त चल रही है, जो मंगल परम उच्च में और वहां पर राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मार्केट जो है, शेयर मार्केट हो चाहे वैसे मार्केट हो, उसमें बड़ा ऊपर नीचे ग्राफ बढ़ सकता है, देखने को मिल सकता है। हम पहले से आपको सूचना दे रहे हैं, इसके चलते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप पर युद्ध का ही प्रभाव है और भारत पर भी पड़ने जा रहा है। आप जो लोग ऐसे संबंध में कार्य करते हैं उनको सावधान होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान, कृषि पर आधारित है, और कृषि संबंधित अधिकांश वस्तुएं भी विदेशों से बहुत सारे नियत होती थी, आज से बहुत सालों से होता है। और ऐसे में विश्व में जो उथल पथल मची है उसका सीधा प्रभाव हम पर भी पड़ सकता है। कोरोना के दौरान हमारे खासतौर पर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जिस प्रकार से कुछ समस्याएं पूरे विश्व में रही, और अब युद्ध के खासतौर पर कारण से खर्चों की उम्मीद खासतौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ऐसे में जो ग्रह दिखाते हैं, ग्रहों का प्रभाव जो है उस क्षेत्र पर ही पड़ता दिखाई दे रहा है। मामे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है हम आपको बताते हैं। आज का दिन दाम्पत्य जीवन में खुशियों लेता आता दिखाई दे रहा है, प्रेम बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन खासतौर पर बेहतर तरीके से बीतता दिखाई दे रहा है। कोई अतिथि का आगमन आपके घर में हो सकता है, कुटुंब के साथ परिवार के साथ सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। पालक का दान कीजिए आज के शुभ तिथि में, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। मन थोड़ा बेचैन रहता दिखाई दे रहा है, मानसिक तनाव में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। कार्यों में सफलता मिलने में थोड़ा संदेह दिखाई देता है, यदि प्रयास करेंगे तो रास्ता बना सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ खासतौर पर आज खासतौर पर जो सहयोगी आपके हैं वो आपकी परेशानी पर विश्वास करने का आपको प्रयास करना चाहिए, और सहयोगियों के साथ विश्वास करेंगे तो आगे बढ़ने के योग बन पाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, विघ्न दूर होंगे।
मामे करेंगी कल। अब समय हो गया है स्वप्न विज्ञान के बारे में जो प्रश्न आया उनके बारे में बात करने के लिए। दौसा जिले से मनवीर सिवाई जी का प्रश्न आया है और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सपने में एक अलमारी देखी, जानना चाहते हैं संकेत क्या है। सपने में अलमारी का देखना खासतौर पर दो संकेत निकलते हैं। यदि अलमारी खुली हुई है तो धनहानि होने के योग बनते हैं, खर्चे के योग बनते हैं। यदि अलमारी बंद देखी आपने तो शुभ माना जाएगा। तो इसलिए आपने जिस प्रकार से प्रश्न देखा है, बंद अलमारी जो है वो समृद्धि का योग दिखाती है, लाभ का योग दिखाती है, तो इसके अनुसार से कार्य कर सकते हैं। इसी संबंध में एक और प्रश्न आ गया है, वो आया ग्रेटर नोएडा से पवन ठाकुर जी का। उन्होंने सपने में देखा, खासतौर पर एक बॉडीगार्ड जो है उनके साथ चल रहा है, ऐसा सपना देखा। देखिए सपने में बॉडीगार्ड का साथ चलना शुभ संकेत नहीं है, ये सपनों में नकारात्मक योग उत्पन्न करने के योग देता है। मन में किसी ना किसी प्रकार का डर बना हुआ है और जो खासतौर पर आशंका से ग्रसित लोग होते हैं उनके साथ ये समस्या रहती है। तो आने वाले समय में घर से बाहर निकलते वक्त अपने मन को सुरक्षित करके निकालने का प्रयास करें। सबसे सुंदर ये रहेगा आपके लिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की प्रार्थना से आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। युद्ध में आने वाले समय में बहुत सारे और भी कारण बनने वाले हैं जो लोगों को परेशान कर सकते हैं, उनकी समीक्षा हम इस कार्यक्रम में नित्यपति करते हैं। अभी जान लेते हैं आगे राशियों के अनुसार से कैसा रहेगा समय। हमने बहुत सारी राशि के संबंध में बात करी, धनु राशि वालों के लिए हाल क्या है जान लीजिए। मामे करेंगी करण, आज का पूरा फोकस आपका खासतौर पर काम पर रहता दिखाई दे रहा है, जिसके बेहतर नतीजे आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। परिवार में थोड़ा सा खासतौर पर कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, सावधान रहें आप। संतान के लिए आज का दिन बेहतर होगा, शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। सूर्य उदित हो रहे हैं उनको अर्घ्य दीजिए, खासतौर पर जल और तांबे के में लोटे में जल देकर उनको अर्घ्य दीजिए, कल्याण के लिए बनेंगे। मामे करेंगी कल्याण, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन काफी बढ़िया दिखाई देता है, कुछ नए आमदनी के जरिए आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान के लिए आपके लिए समय सुखमय रहेगा, इकाई खासतौर पर जो क्षेत्र में जो आप काम करते हैं उसमें बदलाव लाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण और राशियों के संबंध में बात करेंगे, उससे पहले एक और व्हाट्सअप ले लेते हैं जो आया है हमारे पास भिवानी से प्रमोद राणा जी का। और उन्होंने लिखा है प्रश्न कि उनके मन में बड़ा वीतराग उत्पन्न हो गया है, संसार को त्यागना चाहते हैं, संसार से त्याग लेकर संन्यास की तरफ जाना चाहते हैं, और क्या मुद्रा का अभ्यास करके अपने जीवन में इस भाव को और ठीक कर सकते हैं कि ये परेशानी कर रहा है। देखिए संसार से संन्यास धारण करने के लिए खासतौर पर आपको यदि मन में ये भाव उत्पन्न हो गए तो उसके लिए आपको वैराग्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथ यदि घुटने पे आ जाए, ये ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली को जोड़कर ये ज्ञान लगती है। यदि हाथ इस प्रकार से रहें तो ये पूर्ण ज्ञान है। लेकिन यदि संसार से मोह भंग हो रहा है, लोभ इत्यादि लोगों के जो कारण से मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए, तो जैसे दयानंद जी महाराज बैठते हैं दोनों घुटने पर हाथ रखकर, दोनों हाथ इस प्रकार से पद्मासन लगाकर आलती पालती मारकर, ये वैराग्य मुद्रा बन जाती है। इसका अभ्यास करें आपके मन में वास्तविक, कुछ तो संसार में ऐसा होता है कि क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है, जैसे कहीं हम कभी शमशान में गए तो मन में होता है सब बेकार है, कुछ काम का नहीं है, वो क्षणिक वैराग्य है। यदि वास्तविक तौर पे संसार से आपको वास्तविक सत्य समझना है और अपने जीवन में सत्य की तरफ आगे चलना है तो इस वैराग्य मुद्रा का पद्मासन में लगाकर दोनों हाथ घुटनों पर रखकर इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, देखिए आपको वास्तविक सत्य मालूम चलेगा और ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। मामे करेंगी कल्याण, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। मानसिक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा समय भारी रहेगा, खर्चों की थोड़ी अधिकता रहेगी जिसके कारण से आर्थिक बोझ थोड़ा परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, आप विरोधियों पर भारी रहते दिखाई दे रहे हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सलेटी रहेगा। राह पर चलते खासतौर पर राह में रास्ते में कुछ जरूरतमंद लोग दिखाई दे जाए तो आर्थिक तौर पर उनका सहयोग कर दीजिए, थोड़ा दान कर दीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। मामे करेंगी कल्याण, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, मन प्रसन्न रहता दिखाई दे रहा है, कार्यों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनाव आपको दे सकता है, कानून के विरुद्ध कार्य मत कीजिएगा अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। वस्त्रों का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, जीवन में आगे बढ़ने के योग बनाएगा, आपके लिए शुभ होगा। अब समय आपसे विदा लेने का और कल फिर इसी समय पर इसी चैनल पर आपके साथ रहेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान भी देंगे और ग्रहों की चाल से आपको अवगत कराएंगे क्या रहेगा पूरे विश्व पर ग्रहों का असर, कल फिर इसी समय पर इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्।